हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग देख रहे हैं पार्टिक, मैं आप लोगों का दोस्त पायल। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग कॉपीराइट क्लेम को अपने वीडियो से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है आप लोगों के वीडियो में। सबसे पहले आपने किसी और का जो है कंटेंट यूज़ किया है तो आता है, और अगर आपने किसी का म्यूजिक या किसी का वीडियो का फुटेज आपने अपने वीडियो में यूज़ किया है तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, स्ट्राइक भी दे सकता है अगर आपने डिस्क्रिप्शन में उसका क्रेडिट जो है ना दे के रखा है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर आपके वीडियो के ऊपर जो है कॉपीराइट क्लेम आ चुकी है तो उसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ चुकी है। यहाँ पर दो वीडियो है, तो यहाँ से मैं एक वीडियो के अंदर जाके सी डिटेल्स के अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस वीडियो का कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं। तो इसको जूम करने पर यहाँ पर कॉपीराइट ओनर करके लिखा है, जो भी यहाँ पर कॉपीराइट ओनर होगा उसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है। तो यूट्यूब पर जाके उसका नाम जो है आपको सर्च करना है। तो ऐसे अगर इसका नाम जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा है, तो ऐसे तो मुझे देखकर ही करना पड़ेगा ना। तो अगर इसका नाम छोटा होगा तो मतलब जैसे जिस कंपनी ने या फिर जिस चैनल ने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया होगा उस चैनल का नाम यहाँ पर सर्च कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैनल है, लेकिन इन्होंने हमें फेक कॉपीराइट क्लेम दिया है। तो हम इसको कैसे रिमूव करें, तो यहाँ पर से जो है हमें, अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने जो सॉन्ग यूज़ किया है वो कौन से कंपनी का है एंड मैंने किससे लेकर वो यूज़ किया है। तो मैं उसको दिखा देती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला सॉन्ग है ये ध्रुवा म्यूजिक कंपनी का, ध्रुवा म्यूजिक स्टेशन का है, और यहाँ पर जो है इन लोगों ने हमें फेक कॉपीराइट क्लेम दिया है। तो जो है इनका नाम हमें फिर से यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो कितने मिनट से कितने मिनट तक इन लोगों ने बताया है कि आपने इसका सॉन्ग यूज़ किया है। तो इनके चैनल पर फिर से वापस आ जाना है एंड देन यहाँ पर आप लोगों को अबाउट का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाके वो लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी, वेबसाइट, मेल आईडी ये सब दे के रखते हैं। तो हम वहाँ पर जाके इनको जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सॉरी बैक हो गया। तो यहाँ पर देखिए अबाउट का एक सेक्शन है, इसके अंदर जाके यहाँ पर इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर क्रोम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम है वो आ जाएगा। इंस्टाग्राम में हमें जाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो खुल जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर मैसेज और ईमेल करके लिखा है, तो यहाँ से आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, मतलब उन्होंने हमें क्यों कॉपीराइट क्लेम दिया है वो भी फेक। तो मैं यहाँ पर उनको ये पूछती हूँ। ज़्यादातर जो है अगर कंपनी छोटी होती है या फिर बड़ी भी होती है ना, मतलब इंस्टाग्राम आईडी पे वो लोग जो है मैसेज का रिप्लाई जल्दी कर देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस दूँगी कि आप लोग जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम में जाकर भी मैसेज करें और मेल में जाकर भी मैसेज करें। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी उस वीडियो का जो है लिंक ले लेना है जिस पे इन लोगों ने फेक कॉपीराइट क्लेम दिया है, उस वीडियो का आप लोगों को लिंक कॉपी करना है, जैसा मैं यहाँ पर करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इन लोगों ने मेरे इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम दिया है, तो यहाँ से इसको शेयर करके कॉपी लिंक कर देती हूँ। और यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर जाकर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर जाकर मैंने इनको लिखा है व्हाई यू कॉपीराइट क्लेम इन माय वीडियो, तो इन लोगों ने मुझे कॉपीराइट क्लेम क्यों दिया है। तो मैं उनको अब बोलूँगी कि आप लोग जो है अपने कॉपीराइट क्लेम को बैक कर लो। तो यहाँ से मैं इसको करके सेंड कर दूँगी। तो ये जैसे ही सेंड हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेल के थ्रू आप लोग कैसे कॉपीराइट क्लेम को, मतलब उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कॉपीराइट क्लेम अगर वो हटा दे अपनी आप लोगों की वीडियो से। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इनका चैनल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पोस्ट की है। तो यहाँ पर मेल के ऊपर जाके जीमेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी
खुद ब खुद ले लेगा और उनका भी ईमेल आईडी ले लेगा। देन यहाँ पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर जस्ट व्हाई लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमें पूछना है क्यों आपने हमारी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम दिया है, हमने तो यहाँ पर आपकी वीडियो यूज़ नहीं की है और आपकी वीडियो यहाँ पर हमने यूज़ नहीं की, हमने जिसकी वीडियो यूज़ की है उसका तो क्रेडिट हमने डिस्क्रिप्शन में दे कर रखा है, तो फिर भी आप लोगों ने क्यों हमें फेक कॉपीराइट क्लेम दिया है। तो ऐसा बोलने के बाद आपका जो वीडियो है उस वीडियो का जो उसका लिंक आप लोगों को कॉपी करके रखना है एंड देन यहाँ पर आप लोगों को उस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद इस मेल को आप लोगों को सेट कर देना है। जैसे ही वो ये मेल चेक करेंगे या फिर आपका जो मैसेज है इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने दिया है उसको चेक करेंगे तो वो आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया था तो उन लोगों ने मुझे मेल पे रिप्लाई दिया था और उन लोगों ने बोला था कि सॉरी हमने आपको गलती से दे दिया है कॉपीराइट क्लेम, तो हम उसको बैक कर लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ था, आप लोग जैसा कि हमने अभी दिखाया है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, आप लोगों के पास भी शायद कुछ इस तरीके का मेल आ सकता है। उन्होंने हमें ऐसा मेल दिया था। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो इस वीडियो का जो है नन है, मतलब यहाँ पर कॉपीराइट जो क्लेम था मैंने उसको हटा दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ।